वो ईंटों की विक्टेम, वो टूटा सा बल्ला, वो गलियों की रौनक, वो अपना मोहल्ला, वो जेबों में सिक्के मचाते थे शोर, अमीरी के दिन वो मट्टी का गल्ला। ए बचपन बता तू कहाँ खो गया है, या कह दे कि तू अब बड़ा हो गया है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। दो चेहरों का बोझ ना उठाया कीजिए, दिल ना मिले तो हाथ भी ना मिलाया कीजिए। तमाम उम्र बस एक ही सबक याद रखिए, इबादत और रिश्तों में नीयत साफ रखिए। दूसरों के गुनाह गिनते रहने से बंदा खुद पारसा नहीं हो जाता, डूबना ही पड़ता है उभरने से पहले। गुरूब होने का मतलब जवाल नहीं होता। अल्फाज चाबियों के मानंद हैं, इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद और दिल खोले जा सकते हैं। मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, ज़र्फ को वसी कर दिया, जो साथ चलता रहा उसे रोका नहीं, और जो रुक गया उससे साथ चलने को कहा नहीं। किसी ने हाथ बढ़ाया तो उसे थाम लिया, और किसी ने दामन छुड़ाना चाहा तो बगैर वजह पूछे उसे खुदा हाफिज़ कह दिया। लोगों से उम्मीदें लगाना बंद कर दीं, मिलना जुलना कम कर दिया, और ख्वाहिशें मुख्तसर कर दी, और ऐसे ज़िंदगी आसान हो गई। बुरा वक्त गुजर जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बस अल्लाह ने इंसान का ज़र्फ आजमाना होता है। नरम दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कौन उनके साथ क्या खेल खेल रहा है, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। मैं मानता हूँ वबा के दिन हैं, मगर ये दिन भी खुदा के दिन हैं। दिलों से मायूसियाँ निकालो, ज़रा सा आगे शिफा के दिन हैं। ये पहला मौका नहीं ज़मीन पर, अजीज़ो ये तो दुआ के दिन हैं। और गुजर गई उम्र गफलतों में, यही तो रब से वफा के दिन हैं। मरना ईजे तकदीर अपनी, फेर क्यों ऐस तो नसीए, फेर क्यों ऐसनू पुलन लई दुनिया दी जाल विच फसीए। झूठे सच्चे यार बना के दिल दियां गल्लां दसीए, क्यों ना घर विच कल्यां बहके पागलां वांगू हसीए। मुझे पसंद हैं वो लोग जो अपनी ही धुन में मगन रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, बल्कि अपनी ही दुनिया में खुश और मुतमईन रहते हैं। कुछ लोगों के हिस्से में सिर्फ चाहतें बांटने का काम आता है, वसूल करने का नहीं। बदलती हुई चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन यकीन करें बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ देते हैं। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिन पे माफ तो किया जा सकता है, लेकिन दोबारा ताल्लुक नहीं रखा जा सकता। अगर आपके अंदर वो आवाज मौजूद है जो पुकार पुकार के आपको ये बताती है कि ये चीज हलाल है और ये हराम, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका ज़मीर अभी जिंदा है। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ को एक झटके में निकाल देती है, तो इससे पहले कि टूट जाओ झुक जाओ। कुछ बचाना हो तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते।